भौरिया के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, इस नाते जो अपनी विधानसभा नहीं जीत चुके हैं, दूसरे की कृपा पर हैं, वो किसी को क्या कहते हैं उनका जब उत्तर हमको नहीं देना है। ब्रजेश पाठक का भी ये कहना है, ब्रजेश पाठक का भी डिप्टी सीएम का यही कहना है कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। वो कई पार्टी घूम के आया ना, पर जिस पार्टी से घूम के आया है उस पार्टी का नहीं हुए हैं तो फिर इस पार्टी के कहाँ से होंगे। जो बोल रहे हैं उनको सुनिए, लगातार डिप्टी सीएम और विजय इंदू का लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लगातार जनसभा में संबोधित कर रहे हैं और लगातार 3-4 दिन से उन्होंने डेरा डाला है, क्या कहेंगे इस पर? ये लोग लगातार प्रशासन पर दबाव दे रहे हैं। मऊ में जगह न मिली तो आजमगढ़ उसका होटल में जा करके ये लोग बुला बुला के 25,000 रुपया दे रहे थे, वहाँ से जब पुलिस ने खदेड़ा तो फिर इधर आके घूम रहे हैं। यह केवल प्रशासन के बल पर चाहते हैं कि जितनी टाउन एरिया नगर पंचायत हैं इनमें आतंक फैला करके मतदान को कम कर दिया जाए, और मतदान के कम कराने की चिंता करें क्योंकि मतदाता है ही नहीं, देहात में इनका कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ इनका नहीं है, केवल नगर पंचायतों में यह आतंक फैला रहे हैं। तो देखा जाए कल इसी कड़ी में परसों की रात में आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कुपाल में परेशान किया था, रोका रखा था। ये रोज यही काम हो रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोज यही काम हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे समर्थक जो सारे दलों का जो हमको समर्थन है, कोई इनके धमकी से रुकेगा नहीं। या 5 तारीख के पोल की भी 8 तारीख के परिणाम की प्रतीक्षा करें। क्या भाजपा डर रही है? भाजपा से डर रही है? हमसे क्यों भाजपा डर रही है? भाजपा तो हुकूमत में है, चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि भाजपा चुनाव लड़ रही है ऐसा कहना है। तो भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं सर्टिफिकेट बना ले रहे हैं? सर्टिफिकेट बनाने का अधिकार तो उन्हीं को है ना, वो तो बनवा लें, क्या उसमें दिक्कत है? कल योगी जी आ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? योगी जी महाराज हैं, महाराज हैं जी, 77 पीठों के महाधिराज हैं, वह हम लोग के सबके महाराज हैं जी। वह आएंगे तो महाराज जो है वो तो अपने से शुभ कृपा ही नहीं करता है, क्या आप भी कृपा करेंगे? अरे भाई, जो हमारे पीठेश्वर हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, तो भक्त को गुरु कृपा नहीं देता है? आशीर्वाद मिलेगा आपको? और बिना आशीर्वाद दिए ही बाकी है, आशीर्वाद नहीं देंगे हमको? आशीर्वाद मांगे तो कौन नहीं देगा? अच्छा, अखिलेश यादव का आगमन हुआ था, कितना असर पड़ा आपसे? अखिलेश यादव का आगमन हुआ था, सोना में सुहागा हो गया, बहुत असर पड़ा है। समाजवादी पार्टी भी कहा जा रहा है, अरे मन से घोषणा की जा रही है कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है। ये तो एक ही चुनाव बता देगा कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है कि दूसरों को समाप्त करने वाली है। 2022 में अखिलेश यादव बहुत दावा किए थे कि हम इस बार के चुनाव जीत जाएंगे, पर मुझे चुनाव विजय नहीं हो पाए, उनकी पार्टी भी नहीं पहुँच पाई, आखिर में घूम फिर करके भाजपा ही अपनी सत्ता संभाली है। इस बार के उपचुनाव 125 वोट समाजवादी पार्टी अपने बल पर जीती थी, कभी इतना बड़ा विपक्ष रहा है? इसकी तारीफ करिए कि सबसे बड़ा विपक्ष आज का है, वह आज तक का समाजवादी पार्टी को वोट देना मतलब कि कुएं में अपने वोट को फेंकने के बराबर। समाजवादी पार्टी की बात तो आप कर ही रहे हैं, भाजपा की बात कीजिए। यह जो मऊ जिले में, चाहे दारा का ही ले लीजिए, भारत का कोई दल नहीं छोड़ा जिस पार्टी में ना गए हों, अब दोहरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इनके सोलह महीना पहले इनको विधानसभा में 1,08,000 मत दे करके विजयी बना के भेज दिया, और फिर आकर के इस्तीफा दे के फिर लड़ रहे हैं। जब विधायक ही लड़ना था तो फिर विधायक इस्तीफा क्यों दिया, जनता पूछ रही है। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, उनसे वोट की अपील कर रहे हैं, कहाँ से समर्थन मिल रहा है? हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता तो हमको कह रही है कि जनता कि आप क्यों घूम रहे हैं। इस बात तो जनता का और इनका सीधा लड़ाई है, जो 16 महीने में एक दिन घोसे की धरती पर लात नहीं रखा है और फिर केवल चुनाव लड़ने आया है, इसको इस बार हमको सबक सिखानी है, सिखाने दीजिए आप। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आता है कि ये लड़ाई अखिलेश यादव और ओम प्रकाश के बीच की है,
पे क्या कहना चाहते हैं? ओम प्रकाश जी यदि अखिलेश बनना चाहते हो तो ईश्वर करे अखिलेश जी बन जाए, लेकिन यदि लेकिन बयान तो जो जो भी चाहे दे सकते हैं, लेकिन यदि वो नेता हैं तो वो तो अंदर से अभी को चाहते होंगे चुनाव हम जीते, नेता है तब। प्रकाश यादव, ये प्रकाश यादव भाई कोई नेता चाहेगा कि हम जीते? मैं 1975 में आपातकाल का बंदी हूँ, मतलब लोकतंत्र सेनानी हूँ, ये कोई नेता लोकतंत्र सेनानी नहीं है। तो जब लोकतंत्र सेनानी कोई नहीं है, मैं हूँ, तो हर आदमी चाहेगा कि पुराना पॉलिटिकल आदमी ही चुनाव जीते ना, वो भी चाहते होंगे। शिवपाल यादव का जी का जब आगमन हो रहा है लगातार 3 तारीख से डटे रहेंगे, क्या कहेंगे इसको शिवपाल यादव? ये तो पार्टियों का काम है, अपने अपने पार्टी के लोग सब लोग आते हैं, मतलब कितना प्रभावित करेंगे सब लोग, जो ये लोग कितना प्रभावित कर रहे हैं। शिवपाल यादव हम लोग के नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो आ रहे हैं तो वो तो उन पर आना ही है।